हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल के महीने में गेहूं काटने की तैयारी शुरू हो जाती है, तो आज हम भी काट रहे हैं जौ, जो गेहूं के साथ ही बीजे जाते हैं, पर ये गेहूं से थोड़े पहले आ जाता है काटने के लिए, थोड़े पहले जल्दी पक जाते हैं ये। तो आज हम भी गेहूँ काट रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से गेहूँ काट रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो खेत थोड़ा बड़ा है, उतना बड़ा भी नहीं है पर थोड़ा बड़ा है, तो आप देख सकते हो। तो गाइस, आप ये देख सकते हो, ये पूरा खेत है जौ का, जिससे भी हमने जौ काटना है। थोड़े बहुत यहाँ पे काट भी रखे हैं, और मेरी बहन बेचारी भी ईमानदारी से लगी हुई है काटने में, तो भी मैं अभी जल्दी जल्दी काटना शुरू कर लेती हूँ। तो भी मम्मी भी आने वाली है, फिर हम तीनों साथ में ही काटेंगे। तो भी हम शुरू कर लेते हैं पहले काटना, तब तक जब तक मम्मी आती है। गाइस, अभी फाइनली हमने सारे जौ काट लिए हैं, पूरी खेत में से जौ अच्छे से काट लिए हैं। और इन्हें काटने में काफ़ी वक्त लग गया है, क्योंकि ये काफ़ी पक गए थे और काटते हुए बार बार टूट रहे थे और टूट के बिखर रहे थे, तो इन्हें समेटने में काफ़ी टाइम लग गया। सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखने में ये कम ही लग रहे थे, कि ऐसे लग रहा था कि अभी एक आध घंटे में हो जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं था, काफ़ी टाइम लग गया इसे काटने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे जौ यहाँ पर हुए हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो हमने सारी खेत से जौ काट लिया और एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं, और हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े बंडल से इसके बना दिए हैं, और ये काफ़ी सूखे थे, तो इसीलिए भी सारा इकट्ठा काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया है, ताकि ये सूख के अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा सूखते रहते हैं तो ये टूट के भी गिरते रहते हैं, और अगर कम बनाए तो ये अलग गिरते रहते हैं, जब इन्हें मशीन में लगाया जाता है तो ये गिरते रहते हैं अलग अलग, इसलिए बड़े बड़े बनाए। तो आप देख सकते हो छोटा सा खेत है, पर इसे काटने में काफ़ी टाइम लग गया हमें, और ये करीब 10-12 बंडल होंगे। तो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।